आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संत हिरदाराम जी की 12वीं पुण्यतिथि पर उनकी कुटिया पर माथा टेकने वालों की भीड़ लगी रही। इस दौरान वहां कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। संत हिरदाराम नगर में संत शिरोमणि हिरदाराम जी की 12वीं पुण्यतिथि पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन संत हिरदाराम जी की समाधि स्थल पर हुआ। सुबह 4 बजे से हवन पूजन भजन कीर्तन किया गया। यहां सुबह से ही संत जी की कुटिया और समाधि स्थल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया था। सुबह से ही कुटिया स्थल पर संत नगर के अलावा अन्य शहरों के लोग माथा टेक कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी, नरेश ज्ञानचंदानी सहित कई गणमान्य नागरिक समाधि स्थल पर पहुंचे। निर्वाण दिवस पर इस संत नगर में आकर बड़ी शांति मिलती है। दुनिया के उन बिरलो संतों में से एक संत है संत हिरदाराम जी, जिन्होंने खुद के लिए कुछ नहीं किया लेकिन समाज के लिए करने की प्रेरणा लाखों लोगों को दी। मेरे को उनका आशीर्वाद सदैव मिलता रहा है और मुझे इस नगरी में आकर बड़ी शांति का अनुभव होता है। उनकी कुटिया पे जाकर तो परम शांति मिलती है। मैं उनके श्री चरण में प्रथम श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने जो शिक्षा हमें दी है उसी का हम पालन करते रहें और समाज की निर्लिप्त भाव से सेवा करें। परम संत स्वामी हिरदाराम साहब जी की 12वीं पुण्यतिथि श्रद्धा के साथ यहाँ मनाई गई। 3 दिवसीय जो कार्यक्रम संपर्क पाल साहब के साथ 19 तारीख से शुरू हुआ था, आज 21 तारीख को स्वामी जी की पुण्यतिथि पर समाप्त हुआ। भजन कीर्तन आशा दीवार और यहाँ पर देश विदेश से लोग पधारे हैं। स्वामी जी का यही संदेश था, बूढ़े बच्चे और बीमार है परमेश्वर के याद करे भावना से इनकी सेवा पाएंगे लोग परलोक में सुख होगा। इन्हीं स्वामी जी के सलोक को हम उनके पदचिन्हों पर चलकर उनकी आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे और उनके जो मार्ग बताया गया है सेवा का, सेवा और स्मरण, ये जो दो पंख हैं, ये दो पंख हमारे स्वामी जी देखे गए हैं। इन स्वामी जी के जो दिया गया है उसके हम ऊपर चले, यही हमारे स्वामी जी के आशीर्वाद। संत जी के आशीर्वाद एवं सिद्ध भाव के मार्गदर्शन में संत हिरदाराम नगर में सेवा सदन, नेत्र चिकित्सालय, जीव सेवा संस्थान, आरोग्य केंद्र सहित विभिन्न सामाजिक शैक्षणिक संस्थाएं संचालित की जा रही हैं। संत जी की पुण्यतिथि पर दिव्य ज्योति संस्था द्वारा विशाल आम भंडारे का आयोजन किया गया। यहाँ लंबी लंबी लाइनों के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते नजर आए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।